गर्ल्स पावर लेडीज जिम, जहां कार्डियो वेट मैनेजमेंट, फ्लोर एक्टिविटीज, स्ट्रेंथ और पर्सनल ट्रेनिंग, बेसिक डाइट एंड इंच कार्ड विथ एट्रैक्टिव पैकेज के साथ जिम ट्रेनिंग कोर्स पर 20% ऑफ, स्मार्ट ट्रेनिंग प्लान और फुल बॉडी चेकअप। साथ ही ब्यूटी पार्लर सर्विस और क्लास पर 30% ऑफ। फिटनेस एंड ब्यूटी लवर्स की पहचान है फॉर द बेस्ट रिजल्ट। ज्वाइन गर्ल्स पावर, बी फिट बी फैबुलस। ट्रैफिक का मसला इशू कहाँ से शुरू होता है? ये गुलाब पाक से होता है कि गुलाब पाक के आगे से होता है? बना के जब तक नहीं देंगे, जब तक हम नहीं जाएंगे, भाभी शिफ्टिंग कर देंगे दूसरे को और यहाँ की भी जगह नहीं छोड़ेंगे। आग बंद करके चल रही पब्लिक को समझ में नहीं आता कि क्यों बंद की है। पूरी मार्केट हमको कम्प्लीट चाहिए। आज जो टोचन वाले काम कर रहे हैं ना, पहले सर पे ना अंगार लग जाती है ना, जब हम कुआं खोदना शुरू करें। मैं नागरिक हो, आप भी वोट देते हो, आपका भी हक है, बहस कर रहे हो, ऐसे उन नेताओं को पकड़ो। भाई सामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि कल ठाणे महानगर पालिका द्वारा हॉकर्स पर कार्रवाई की गई थी। नईम खान के बंगले से लेकर कौसा कब्रस्तान तक जो हॉकर बैठते उन पर कार्रवाई की गई, लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर गुलाब पार्क मार्केट में जो हॉकर्स बैठे राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन के, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। इरशाद भाई, कल कार्रवाई हुई मनपा के तरफ से नईम खान के बंगले से लेकर आगे कौसा कब्रस्तान तक जो हॉकर बैठते हैं उन पर कार्रवाई की गई। हालांकि पीली पट्टी लगाकर दी गई थी किसके अंदर हॉकर बैठे उन पर भी कार्रवाई की गई। आप लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं है, ऐसा सवाल उठ रहा है कि आप लोगों की तरफ से कार्रवाई कराई गई है। पहली बात अस्सलाम वालेकुम, और मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। जब गुलाब पार्क था तो आगे कोई धंधा नहीं था, ठीक है, कोई भी धंधा था नहीं। और इसके बाद जब गुलाब पार्क को ना उठाया गया ना, तो गुलाब पार्क को मित्तल में भेजा गया। मित्तल में तीन साल हम लोग थे। तीन साल मित्तल में रहने के बाद हमने लिखित में लिया कि भाई आप हमको भेज रहे ना, आप मेरे को लेटर दो कि मैं आपको यहाँ से मित्तल में शिफ्ट कर रहा हूँ। तो उन्होंने हमको एक लेटर दिए, वो लेटर मैं आपको दे देता हूँ। तो वहाँ से हमको शिफ्टिंग लेटर मिला। फिर जब हमको मित्तल से ना उन्होंने उठाए, तो मेरा पहले जब आप जब तक हमको जगह देंगे नहीं, हम यहाँ से जाएंगे नहीं, आप कहाँ भेज रहे हमको। तो उनके पास कोई जगह पर आई थी नहीं, तो उन्होंने क्या किया, आप जहाँ पे पुराने बैठे हुए थे ना, आप अपनी जगह पे जाके वापस से बैठ जाओ। मैं बोला आप मेरे को लिखित में दो। तो उन्होंने हमको एक लेटर में लिख के दिए, उसके अंदर लिखा है ये जो गटर है ना, यहाँ पे जो गटर बना हुआ है, इस गटर से ना 5 मीटर ने उन्होंने हमको लिख के दिए, इस 5 मीटर के अंदर आपको बैठने का है। 5 मीटर का मतलब हुआ 17 से 18 फीट। आप माप लो वहाँ से लेकर यहाँ तक 17 से 18 फीट में हम लोग बैठे हुए। कितने दिन के लिए बैठने के लिए कहा? उन्होंने क्या बोले, जब तक आपकी पर्याय हम जगह नहीं देते जब तक आप बैठ सकते। इसके पहले लेटर दिया गया था आपको 2 महीना या 3 महीने का महीने कुछ लेटर था। डेढ़ महीने का उनका टाइम था। वो तो खत्म हो चुका, उसके बाद से कुछ लेटर वगैरह मिला? नहीं, उसके बाद कोई लेटर नहीं मिला। तो फिर कैसे बैठे फिर आप? उनके पास जगह ही नहीं है ना। उन्होंने क्या बोला था, 1.5 महीने के बाद हम आपको जगह देंगे। जब उनके पास जगह ही नहीं है, वो जगह दिए नहीं, हम तो आज भी मांग कर रहे हैं। तो जगह तो आपके पास भी नहीं है बैठने की? है ना जगह बैठने की, हम जहाँ बैठे थे वहीं बैठे हैं। 1.5 महीने का दिए ना परमिट, 1.5 महीने बाद खत्म हो गया? नहीं ना, कैसे खत्म हो गया, उस पर साफ साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि 1.5 महीना हम आपको जगह वहाँ पे बना के दे देंगे। बड़ी मार्केट के लिए लोन नहीं मिलेगा, 1.5 महीने में हम वहाँ पे आपको बना के दे देंगे। तो 1.5 महीने उन्होंने बना के नहीं दिए, और बना के जब तक नहीं देंगे जब तक हम नहीं जाएंगे यहाँ से, ये उनका कॉल है, लेटर है हमारे पास। आप एक बार खुद कह रहे हैं 1.5 महीना टाइम, 1.5 महीने में उन्होंने बना के बोले थे। उन्होंने क्या बोला, 1.5 महीने में हमारा काम खत्म हो जाएगा, फिर आप लोग वहाँ पर शिफ्ट हो जाने। तो उनका काम ही खत्म नहीं हुआ ना भाई। अच्छा, कितने हॉकर्स हैं आपके यूनियन में? मेरे हॉकर्स हमारे यूनियन में 500 हैं रजिस्टर्ड। और अभी कितनी लगी होगी? 500 है, काउंट कर सकते हैं, 500 है टोटल। हाँ, 500 से ज़्यादा नहीं है? नहीं, हमारे पट्टे में 500 है। अब उधर बैठते हैं, अगर उधर बैठते हैं उसका, आपके जो यूनियन में है वो लोग कहाँ से कहाँ तक में? शादी महल हॉल से लेके और हबीबा मंजिल तक का है। हबीबा मंजिल, ये भी सवाल लोग उठा रहे हैं, ज़्यादातर हॉकर्स ही उठा रहे हैं, कि जो आपके 500-600 लोग जो रजिस्टर हॉकर हैं, इन्हें अगर हॉकर जोन मिल भी जाता है तब भी जो है रोड पर धंधा ये लगाएंगे, वहाँ भी शिफ्टिंग कर देंगे दूसरे को और यहाँ की भी जगह नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हॉकरों की तादाद सबसे ज़्यादा है।
आपके 500 हैं, उसके अलावा भी और हैं, तो लोग तो छोड़ेंगे नहीं। तो फिर अगर हॉकर जोन मिलता भी है एक जगह पर, उसके बावजूद रोड पर रहेंगे, वहाँ भी लगाएंगे, फिर यहाँ भी लगा लेंगे। ये प्रशासन का काम है, ये हमारा काम नहीं है, इसके ऊपर प्रशासन फोकस डालेगी, मेरा काम नहीं। मैं ऑलरेडी प्रशासन के बोलने पे 3 साल मित्तल में निकाला, फिर भी यहाँ पे धंधा नहीं लग रहा था, ट्रैफिक का जाम नहीं हो रही थी। तकलीफ से 3 साल निकाले, वो हमको मालूम है, किसी ने आगे पूछा कितना तकलीफ से निकाले, लोगों ने किस तरीके से भाड़ा दिए, किस तरीके से अपना घर चलाए, क्या ऐसा परिवार उसमें लॉकडाउन नहीं लगा है। मेरा नाम शेख इरफान है, मेरा भी यहाँ पे कतना में धंधा लगता है, हबीबा के पास में मेरा धंधा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बोलने का मतलब ये है कि कोई यहाँ पे जो है ना, कोई सही तरतीब से कोई काम नहीं है हमारे लोगों के लिए, कोई तरतीब। ट्रैफिक 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 का मसला कहाँ से है, कहाँ से मसला ट्रैफिक का, आप लोग बताइए ना मुझे। आप लोग नहीं देखते, आप लोग तो रिपोर्टर है, आप लोगों को तो पूरा मुमरा जानता है, पूरे मुमरा को आप जानते हैं। ट्रैफिक का मसला इशू कहाँ से शुरू होता है, ये गुलाब पार्क से होता है कि गुलाब पार्क के आगे से होता है, गुलाब पार्क के एक बात से कहते ना, मैं ये हॉकर्स आगे लगाते हैं कि गुलाब पार्क के आगे से लगाते हैं, आप लोग वो तो देखिए, हर कोई यही बोलता है, लेकिन फिर भी घूम फिर के पूरी बात आती है गुलाब पार्क मार्केट के ऊपर। क्यों गुलाब पार्क मार्केट को एक मुद्दा बना दिया गया है, अब वो राजनीतिक मुद्दा बोलो या चाहे हमारे लिए कहते हैं आर्थिक व्यवस्था के लिए कहते हैं मुद्दा बोलो या जलापा बोलो, कुछ भी बोलो आप लोग, समझ रहे। हर हमेशा से इतनी पुरानी मार्केट है, रजिस्टर्ड हमारी यूनियन है, राजीव गांधी यूनियन हमारी रजिस्टर्ड है, ये हमारे अध्यक्ष है इशाद भाई, हाँ। लेकिन कोई चीज़ की फैसिलिटी है, ट्रैफिक का मसला, ट्रैफिक के लिए हमारे को कितने हवलदार दिए गए यहाँ पे, ये चीज़ आप लोगों को आज तक कि आपके न्यूज़ से, किसी के भी न्यूज़ से कोई ये बात नहीं कि मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से एक बात करता हूँ। मुझे आप एक बात बताइए, 2019 में यहाँ से उठा के हमारे को मित्तल फेंका गया, बराबर है, क्या बोल के गए कि बोले वो ट्रैफिक का मसला है, ट्रैफिक जाम होता है। अच्छा, किसने बोला था? ये किसने बोला था? टीएमसी ने बोली थी, सब जन बोल रहे थे, आपको नहीं मालूम, मैं आपको नाम बताऊं, आप लोग तो रिपोर्टर है, आप लोग तो न्यूज़ चला रहे हैं, लेकिन आप भी नहीं, मैं क्यों बताऊं, मैं क्यों नाम लूं, मैं नाम क्यों लूं, जब आप बेहतर जानते हैं, दुनिया जानती है अच्छी तरह से, मैं क्यों नाम लूं आपको। पूरा ट्रैफिक का मसला, एम्बुलेंस में मरीज मर गया, ये मर गया, वो मर गया, सब बोल रहे थे। अब मुझे बताइए, यहाँ से मार्केट हटाने से पहले पूरे मुमरा से लेके कौसा तक के हर क्रॉसिंग चालू थी, हर क्रॉसिंग चालू थी, आज तक किसी ने ये बात किया? मार्केट हटाने के टाइम पे सब क्रॉसिंग बंद किए, डायरेक्ट मित्तल से लेके साहिल होटल तक के कोई क्रॉसिंग नहीं थी, सब क्रॉसिंग बंद कर दिए थे। क्यों बंद किए थे? बोले आप देखो फ्लो चालू हो गया। पब्लिक क्या बेवकूफ़ है, आग बंद करके चल रही पब्लिक, पब्लिक को समझ में नहीं आता कि क्यों बंद किए, क्यों बंद किए? दरगाह रोड का क्रॉसिंग बंद किए, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वहाँ से हो, शरीफा रोड से निकलती थी कि नहीं निकलती थी यहाँ से गाड़ी, यहाँ से वहाँ जाने के लिए, वहाँ से यहाँ आने के लिए ट्रैफिक जाम होता था, वो कोई नहीं देखता था, खाली गुलाब पार्क मार्केट दिखती थी। वो टाइम पे क्यों बंद किए? उससे पहले ही बंद कर सकते थे, मार्केट को रखते हुए भी बंद कर सकते थे, क्यों नहीं बंद किए मार्केट? जिन लोगों ने ये काम किया, सुनो, जिन लोगों ने ये काम किया भाई, सुनिए, जिन लोगों ने ये काम किया उन लोगों को आप क्यों नहीं पकड़ते? जिन लोगों ने ये काम किया उन लोगों को आप लोग क्यों नहीं पकड़ते? हमको मार्केट दो एक जगह, हमको करके बना कर ये चीज आप लोग क्यों नहीं बोलते? आप लोगों को उठाना चाहिए। अरे मैं दुकान लगाया हूँ, दुकान आप लोग लगाए ना, आप लोग क्या, आप लोग मांगो ना, अरे तो आप लोगों सवाल करना चाहिए ना, ये हम तो सवाल कर ही रहे, उनसे भी कर रहे हैं, आपसे भी कर रहे हैं, उनसे नहीं कर रहे हैं, नहीं उनसे क्या कर रहे हैं? फिर आप, आपको नहीं मालूम होगा, फिर आपको नहीं मालूम, मेरे को सब कुछ मालूम, नहीं कुछ नहीं मालूम है आपको, फिर कैसा है बहस, आपको समझा नहीं, आपको फिर कुछ नहीं मालूम। क्यों बंद की गई थी, दो मिनट बताओ ना, ये डिवाइडर की क्रॉसिंग क्यों बंद करी गई थी? वो आप सवाल का जवाब क्या हो, वो बंद किए ट्रैफिक वालों ने, बंद किए जब आपको बोल रहे कि हम आप सवाल ही नहीं करते, क्या बताएं? जाम हटा, फ्लो चालू हुआ, उसके बाद आप मार्केट लगा के बैठे हो, रोड पे धंधा लगा हुआ है, आपको लीगल हॉकर जोन मांग करो ना, आप तो कब से जो लोग कर रहे हैं उनसे मांग करो, उनको जैसे जैसे आप मुझसे बहस कर रहे हो ऐसे उन नेताओं को पकड़ो, उन नेताओं को पकड़ो, ऐसे उनको बोलो कि हम रोड पे धंधा कब तक लगाएं, कब तक हम लोग रोड पे रहे, कब तक हम ट्रैफिक झेले, ऐसे उन नेताओं को पकड़ो। हमको बताया जाता है उधर पे जैसे हमसे बहस कर रहे हो ऐसे उन नेताओं से बहस करोगे तो हो सकता है वो नेता दे दें आपको। आपको हॉकर जोन का कुछ नक्शा भी दिखाया गया हमारे को, सुनिए, जो मित्तल में 2 एकड़ का जो प्लॉट है ना, वो शमीम भाई ने उसको लिए अपने हाथ में काम करने के लिए, तो हमारे को परसों हम लोग गए थे घर पे उनके, तो उन्होंने बकाए थे, बोले 6 महीने में आपका मैं ग्राउंड करके दे देता हूँ। मैंने, मेरे को ग्राउंड नहीं चाहिए, पूरी मार्केट हमको कम्प्लीट चाहिए, इसलिए कि ग्राउंड में हमारे कितने लोग जाएंगे, और हमारे साथ में 2-4 हमारे मेंबर भी थे। मैंने बोला भाई, उन्होंने आश्वासन दिए 6 महीना, बहुत जल्द से जल्द हम 6 महीने, उन्होंने बोले
मगर मेरे बोले 6 महीने में काम होएगा, और फिर भी 1 साल समझ के चलो, 1 साल के अंदर बोले मार्केट तैयार हो जाएगी। ये मित्तल रोड पे, मित्तल रोड पे 1 साल के अंदर वहाँ पर बटा दिए और पार्किंग लगा दी है, इस्लामाबाद कोई नहीं देख रहा है यहाँ पे, कोई इसका जवाब नहीं है। गुलाब पार्क मार्केट के अंदर ट्रैफिक का मसला जो आप बता रहे हैं, जैसे लोग कह रहे हैं कि ट्रैफिक है, तो हमने यहाँ पे अपने वॉलंटियर रखे हैं, 6 वॉलंटियर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। देखो ये बात सही है, कुछ कट बंद होने की वजह से ट्रैफिक हो रही है, कुछ हॉकर की वजह से ट्रैफिक हो रही है, ये बात। कुछ अब रिक्शा वाले पे सवाल उठता है कि रिक्शा वाला बीच में इधर रोक दिया, जब हॉकर यहाँ लगाएं तो रिक्शा वाला उतारेगा कहाँ साइड में, उसको मजबूरन बीच में रोकना पड़ता है। तो मैं हमारा जो जोन चालू होता है यहाँ से वहाँ तक की किधर लग रही रोड पे गाड़ियाँ लग रही है? अभी नहीं लग रही, टोचन वाले उठा के ले जा रहे हैं, लोग इधर उधर भाग के कहीं अंदर लगा रहे हैं भाई। आज जो ना समझने की कोशिश, आज जो टोचन वाले काम कर रहे हैं ना, हम उसकी सराहना कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको दिल से हम दुआ भी कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं माशाल्लाह एक नंबर काम कर रहे हो। आज देखो ट्रैफिक है, बहुत कम है, यही काम ना अगर वो शुरू से किया होते ना, तो जो यहाँ जो बवाल खड़ा हुआ ना, तो इंशाल्लाह इसकी नौबत नहीं आती। वही बोला ना, ये चीज़ पहले से होना चाहिए, हम करते हैं, मगर कैसे है ना, जब हमारे सर पे ना अंगार लग जाती है ना, जब हम कुआं खोदना शुरू करते हैं, हमको कुआं पहले से खोद कर रखना चाहिए। नहीं ठीक है, लेकिन आपसे भी कहना चाहिए, सुनो हम भी नागरिक हैं, हम दिखाएंगे, लेकिन आप भी नागरिक हो, हम अपना काम बाखूबी कर रहे हैं, लेकिन आप भी नागरिक हो, आप भी वोट देते हो, आपका भी हक है कि उन नेताओं से, आपका भी हक है, आप भी सवाल करो और उन नेताओं से पूछो कि आखिर क्यों नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं, आप भी करो, आप भी वोट देते हो, आप भी उनको वोट देते हो, आप भी उनसे सवाल करो, उनसे पूछो कि जो हमारा अधिकार है, जो हमारा हमारा हॉकर जोन है, वो चीज हमें हमको दो, इस चीज की आप लोग भी मांग करो। लेकिन आपको बता दें, जिस तरह से बुमराह के हम अपना काम कर रहे हैं, आप भी अपना काम करो, वो हम बता रहे हैं आपको। हॉकर जोन है यहाँ पर, गुलाब पार्क मार्केट का ही दिखाएंगे, कट बंद होने पर भी सवाल उठाया जा रहा है, ये इस तरह का जो कट था ये बंद होने की वजह से भी बताया जा रहा है कि ट्रैफिक हो रही है। हालांकि गुलाब पार्क मार्केट को लेकर पूरे मुंब्रा में एक चर्चा का विषय ये है कि यहाँ पर लोग खरीदी करने आते हैं, उसके बाद ये दिखाएंगे पट्टा, इधर देखिए अभी भी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं, और इसी तरह से यहाँ पर बाइक वगैरह भी अगर लगाई जाती हैं तो पार्किंग होता है शाम के वक्त, और जो लोग आते हैं उनकी भी बाइक लग जाती है, रिक्शे वालों को पैसेंजर उतारने में उतरने में। देखिए अब यही देख लिया, दोनों लोग में लड़ाई चालू है, ये यहाँ से क्यों आया और वहाँ से क्यों आया। अरे बोला, अच्छा, तो इसी तरह का मामला जो है सामने आते रहता है, लेकिन ठाणे महानगर पालिका द्वारा जिस तरह से कल कार्रवाई की गई, लोग उस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि पीले पट्टे के अंदर जो लोग थे उन पर भी कार्रवाई की गई, और गुलाब पार्क मार्केट जो दोनों तरफ रोड पर लगा है इस पर कार्रवाई नहीं की गई।